हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ओके, तो बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो गई थी, यानी कैंसिल हो गई थी, क्यों? कोरोना कहर चल रहा था तो परीक्षाएं लेना संभव नहीं था। अब बात आती है परीक्षा परिणाम की। तो सभी स्टूडेंट्स के मन में कई विचार उठ रहे हैं, कई संशय हैं कि भी परीक्षा परिणाम किस तरह का आएगा, कैसे आएगा। तो कल हम CBSE की तरफ से एक फॉर्मूला आया था और उस फॉर्मूले को हमने डिस्कस भी किया था स्टूडेंट्स। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी एक कमेटी गठित की गई है आज, जो कि एक फॉर्मूला पेश करेगी जिसके आधार के ऊपर अंकों का विभाजन किया जाएगा और मार्कशीट के अंदर अंक चढ़ा करके आपका परीक्षा परिणाम दिया जाएगा। अभी जो ये न्यूज़ अपडेट है किसके बारे में है? बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2021 के बारे में और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम, इस बारे में न्यूज़ है। ध्यान रखें किसके बारे में बताया जा रहा है, RBSE, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान रख लें अच्छी तरह से। क्लास 12th और कक्षा कौन सी है? 10th। अब इसके रिजल्ट के बारे में एक कमेटी का गठन किया गया है, उसके अंदर 12 सदस्य हैं और कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा निदेशक श्रीमान सौरभ जी स्वामी जी हैं। तो ये सभी मिलकर के इस कमेटी के अंदर बड़े बड़े अधिकारी हैं और शिक्षा को बहुत अच्छी तरह समझने वाले लोग हैं, जो कि ये निर्धारित करेंगे कि अंकों का विभाजन किस तरह किया जाए ताकि होशियार बच्चे को अच्छे अंक मिल जाएं और जो बच्चे की प्रिपरेशन परफॉर्मेंस है उसी के आधार पे मिलें, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनको डिस्कस किया जाएगा। अब जैसे कि कक्षा 11 है, किसी ने पढ़ी किसी ने नहीं पढ़ी, प्राइवेट फॉर्म भरा है, कैसे क्या किया है, बहुत सारे बिंदु है विचार करने के लिए। उसके फिर एक फॉर्मूला बनाया जाएगा, उस फॉर्मूले के आधार के ऊपर आपके अंकों का विभाजन होगा और इसके जो कमेटी है ना, ये कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी कमेटी एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसी रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो फॉर्मूला आएगा उसके अकॉर्डिंगली अंकों का विभाजन किया जाएगा और आपकी अंक तालिका में अंक चढ़ा करके परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। अभी तक परीक्षा परिणाम की डेट नहीं आई है और उसका फॉर्मूला भी नहीं आया है, लेकिन एक हफ्ते के बाद में जो रिपोर्ट पेश होगी उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर आपके अंकों का विभाजन होगा। वहाँ पर उस समय एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले के आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चिंता नहीं करें, इंतज़ार करें उस रिपोर्ट का, उस फॉर्मूले का जो कि कमेटी की तरफ से जारी किया जाएगा। तब तक अपने आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। आगे के आपके कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है ना, कुछ बच्चों को और भी कोर्सेज करने होते हैं, अपने कोर्सेज जो भी चल रहे हैं चलाते रहें और अपने रिजल्ट का इंतज़ार करें। एक हफ्ते के बाद में एक रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के अंदर जो फॉर्मूला आएगा उस आधार पर ही आपको अंक दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, होप यू आर द बेस्ट रिजल्ट।